जय जय श्री राधे मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा बरनाला। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो के शुरू में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में नई नई जानकारियाँ आपको उपलब्ध हों। तो आज का जो मेरा विषय है, जिस बात पर हम चर्चा करेंगे, वो है देव गुरु बृहस्पति। आप जानते हैं कि टोटल 9 ग्रह होते हैं। उन 9 में से एक ग्रह होता है गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो आज हम ये जानेंगे कि गुरु का 8वें घर में क्या काम होता है। 8वें घर में यदि किसी की कुंडली में गुरु बैठ जाए, जुपिटर ग्रह बैठ जाए अष्टम भाव में, 8वें खाने में, कोई खाना कहता है, कोई अष्टम भाव कहता है, तो कोई 8th हाउस कहता है, मतलब एक ही है। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु यदि खाना नंबर 8 में विराजमान हो, तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका शुभ प्रभाव है और क्या इसका अशुभ प्रभाव होगा, और यदि अशुभ है तो हम कैसे इसको शुभ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, 8th हाउस में 8वें खाने में यदि गुरु हो, तो शुभ फल ये होगा कि कुदरत उस व्यक्ति की सहायता करता रहता है। जब भी व्यक्ति किसी बड़ी मुश्किल में, किसी मुसीबत में होता है, तो कुदरत यानी नेचर परमात्मा की तरफ से अपने आप ही उस व्यक्ति को सहायता मिलनी शुरू हो जाती है, हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। वो चाहे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हो व्यक्ति के। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके शुभ होने की निशानियां, कि ये शुभ कैसे होता है। व्यक्ति के जो दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर, तो उसके पैदा होने से पहले ही चल बसते हैं, नंबर 2। और यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा ना हो, तो 8 साल की उम्र तक अपने दादा पर, इनके दादा पर बहुत कष्ट रहता है, यानी कष्टदायी समय रहता है, जिसको हम मृत्यु तुल्य कष्ट भी कह सकते हैं। और यदि व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से ऊपर हो जाए, यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु 8th हाउस में है, उसकी आयु, उसकी उम्र 8 वर्ष से ऊपर हो जाए, तो दादा की आयु 80 वर्ष तक हो जाती है। ये 8वें खाने में यदि गुरु हो, तो उसकी शुभ निशानी है। जिनकी कुंडली में 8th हाउस में गुरु हो, वह व्यक्ति किस्मत का धनी होता है, माना जाता है, और उसे दैविक मदद यानी परमात्मा की तरफ से मदद हर परिस्थिति में मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वह भी सोना हो जाता है, मतलब जिस जगह भी वह जाएगा, जिस कार्य के लिए भी वह जाएगा, वहाँ जैसा भी कार्य व्यक्ति करे, उसमें अच्छा धन कमाएगा। यह 8th गुरु की विशेषता है, शुभ निशानी है। यदि 8वें गुरु वाले व्यक्ति किसी शक्ति की साधना करें, उपासना करें, पूजा करें, पाठ करें, तो वह उस व्यक्ति को या उस शक्ति की कृपा को पा लेता है, यानी उस शक्ति की कृपा 8th हाउस वाले गुरु वाले व्यक्ति के ऊपर हो जाती है। और एक बात, 8th हाउस मौत का घर माना जाता है, डेथ हाउस, मृत्यु स्थान। जिनके 8वें खाने में गुरु हो, तो देखा गया है कि उसके सामने किसी की मृत्यु नहीं होती। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो और वह चंद सांसें ही ले रहा हो, और जिसके
एट्थ हाउस में गुरु हो, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास में जा कर के बैठ जाए, तो दूसरे व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है तब तक प्राण नहीं निकलते जब तक कि वह एट्थ हाउस वाला जिसके एट्थ हाउस में गुरु है वह उससे दूर ना हो जाए। इतनी पावर मानी जाती है गुरु की यहाँ पे। और एट्थ हाउस में गुरु जिसमें गुरु है ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी गुप्त रूप से धन की प्राप्ति जरूर होती है, खासकर वह व्यक्ति जो बीमा कंपनी में हो, LIC वगैरह में हो या कमीशन एजेंट हो, उनके लिए एट्थ हाउस का गुरु बहुत ही लाभदायक, बहुत ही लाभप्रद होता है। क्योंकि खाना नंबर 8 मौत का घर है, और आप समझती हैं जो इंश्योरेंस का काम होता है, बीमा काम होता है, वो किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंधित होता है। तो ऐसे व्यक्ति बीमा कंपनी में हो तो बहुत धन कमाते हैं, अचूक धन कमाते हैं। अब बात करते हैं गुरु एट्थ में अशुभ हो तो क्या लक्षण हैं इसके। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी स्त्री की ओर से लांछन आरोप जरूर लग जाता है, पक्की बात है। इसलिए एट्थ गुरु वाले को अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और यदि ऐसा संबंध व्यक्ति का हो तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कलंक, कोई ना कोई दाग जरूर लग जाता है। ऐसे ही एक योग है मंगल और बुध का, जिसको हम कहते हैं मंगलवद योग। और यह योग जिसकी कुंडली में हो तो ऐसा इंसान कितनी भी कमाई करता हो लेकिन उसके ऊपर कर्ज जरूर होता है, और सेहत भी ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मंगल को शुभ कर लें तो ऐसे लक्षण नहीं होंगे। तो हम बात कर रहे थे एट्थ हाउस के गुरु के बारे में। जिनका गुरु एट्थ हाउस में हो ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्त्रियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी यदि इनकी लाइफ में कोई स्त्री है, पराई स्त्री है, तो उनसे सावधान रहें। इसमें विशेषकर यदि स्त्री अपने से बड़ी उम्र की है तो सावधान रहने की ज़रूरत और भी ज़्यादा होती है। अगर ऐसा कुछ भी हो चुका हो या ऐसा कुछ हो रहा हो जिनके एट्थ हाउस में गुरु है, यदि उनके साथ जो मैंने बातें बताई हैं इस प्रकार से कुछ हो रहा है, तो उनको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये उपाय जरूर करने चाहिए। नंबर 1, 2 उपाय बताऊँगा, अचूक उपाय बताऊँगा, तो इनको करें, कैसी भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाएगी। 1, लेना है कच्चा सूत, बाजार से बड़ी आसानी से कच्चा सूत मिल जाता है, उसे हल्दी, गीली हल्दी करें, उसमें भिगो लें, भिगो करके फिर उसको सुखा लें। सुखाने के बाद उसको इस तरीके से उसको मतलब इकट्ठा करें कि अपनी 8 बार अपने सिर से घुमा लें, उसको सारा इकट्ठा करके धागे को 8 बार अपने सिर से घुमा लें। और सिर से घुमाने के बाद किसी भी मंदिर में जा करके या बाहरी कोई पीपल का वृक्ष होगा तो पीपल में घुमा करके बांध देना है, और इसी प्रकार से 8 वीरवार तक इसको लगातार करना है। यानी एवरी वीक, एवरी थर्सडे, हर वीरवार को यह करना है, हर बृहस्पतिवार को करना है। ऐसा करने से इस दोष से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय, 8 वीरवार तक 800 ग्राम चने की दाल 8 बार सिर से घुमा के किसी काले सांड को जरूर खिलाएं। इससे बृहस्पति का फल शुभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके साथ ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता रहूँगा मैं अपने कार्यक्रम में, अपने एपिसोड में। तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली जो वीडियो होगी, जो एपिसोड मैं बनाऊँगा,
तो उसमें भी गुरु की चर्चा करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं आज मैंने बात की है 8th हाउस के गुरु की, मैं कोशिश ये करूँगा कि प्रत्येक घर के गुरु के बारे में आपको बताऊँ 1 से लेके 12 नंबर तक, यानी प्रत्येक घर में गुरु क्या फल देता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मित्रों, मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।